मंगलौर गुटबंडी में कल सैकड़ों कांवड़ियों ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान एक कार द्वारा कांवड़ियों का गंगा जल खंडित होने की बात लेकर कांवड़िये उग्र हो गए। वहीं कांवड़ियों ने कार स्वामी के साथ भी जमकर मारपीट की, जिसमें कार स्वामी गंभीर रूप से घायल भी हो गए। वहीं कांवड़ियों ने कार को पलट दिया और फिर कार में जमकर तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय पत्रकार की मदद से स्थिति पर काबू पाया। वही एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि एक गाड़ी कांवड़ियों से टच हो जाने के कारण गंगा जल खंडित हो गया था, जिससे गुस्साए कांवड़ियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। फिलहाल हालत सामान्य है। दरअसल कांवड़ियों में एक अफवाह फैली थी कि कांवड़ को खंडित कर दिया गया है। हालांकि एक कार की साइड लगी थी, कार में तो हल्की सी एक साइड लगी थी, तो कांवड़िया वहाँ काफ़ी इकट्ठे थे, तो उनमें थोड़ा सा हंगामा हुआ, तो कांवड़िया उग्र हो गए और उन्होंने उसकी कार को तोड़ दिया और उसके साथ मारपीट भी करी, क्योंकि पुलिस मौके पर थी, हम भी वही मौके पर मौजूद थे। एक गाड़ी भोलों की कांवड़ से टच हो जाने के कारण कुछ लोगों के द्वारा गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और गाड़ी को पलट दिया गया। इस संबंध में मौके पर उपस्थित हमारे मीडियाकर्मी समीम जी और पुलिस के जो अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित थे, उनके द्वारा तत्काल और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाया गया और चीज़ों को सामान्य किया गया।